लर्न कंप्यूटर हार्डवेयर फ्रॉम साइंस कंप्यूटर। देखिए फ्रेंड, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ। ये मेरे पास एक कंप्यूटर आया है, देखिए ये ब्रांडेड कंप्यूटर है और ये विप्रो का ब्रांड है, यू कैन सी इट्स विप्रो ब्रांड ब्रांडेड कंप्यूटर है ये। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि सीपीयू ऑन हो जाता है, स्क्रीन पे डिस्प्ले कुछ नहीं आता, स्क्रीन ब्लैक रहती है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, सीधी ऑन हो गया सिस्टम, ठीक है, बट स्क्रीन से नो सिग्नल। ओके जी, सिस्टम अपना चल रहा है, मैं आपको इसका कवर भी खोल के दिखा देता हूँ, ठीक है जी। सिस्टम आप देख सकते हो, सिस्टम इज गोइंग ऑन, चल रहा है सिस्टम, बट स्क्रीन डिस्प्ले पे कुछ नहीं आता। देखिए अब हमें लाइव ट्रबल शूट करूँगा आपके सामने कि नॉन डिस्प्ले कंप्यूटर को ट्रबल शूट कैसे करते हैं, ठीक है जी। आप थोड़ा कैमरा ठीक से खोल लीजिए। कि हम क्या करेंगे, इसकी पावर केबल जो है इसके बैक साइड पे लगी होती है यहाँ पे सप्लाई में, अब दिखाइए, इसको डायरेक्टली हम निकाल देंगे, सिस्टम बंद हो जाएगा। सबसे पहले जो काम करना है वो क्या है कि इसकी जो हार्ड डिस्क की दोनों केबल्स हैं हमें वो डिसकनेक्ट कर देनी है सीरीज। देखो इसको डिसकनेक्ट करने का रीज़न ये होता है कि जब हम ट्रबल शूटिंग करेंगे तो उसके लिए हमें कंप्यूटर को बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा, डायरेक्ट पावर ऑन होएगी, डायरेक्ट पावर बंद करनी पड़ेगी, तो उससे क्या होता है कि हमारी हार्ड डिस्क के डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसे से हार्ड डिस्क को सेव करने के लिए हमें इसके जो पावर कनेक्शन होते हैं या डाटा के वो निकाल देनी होती है ताकि जो हमारी हार्ड डिस्क है वो सेव रहे, ठीक है। अब दूसरी चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका जो हमारा LCD का जो डिस्प्ले केबल होता है, दिस वन इज LCD का डिस्प्ले केबल है ये हम दोनों तरफ से निकालेंगे। जैसे मैंने मदरबोर्ड के बैक साइड से निकाली दोबारा लगाई, और CPU के बैक साइड से निकालेंगे उसको भी दोबारा से लगाएंगे, और CPU ऑन करके देखेंगे कि हमारी ये जो VGA केबल है कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है जी। सेकंड थिंग क्या होता है कि हमें सिस्टम को ऑन करना है, पावर केबल लगा दीजिए, सिस्टम को ऑन कर दीजिए, ठीक है जी, सिस्टम चल गया, ओके है। हमें देखिए कीबोर्ड के ऊपर आइए, कीबोर्ड पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए तीन तरह के लॉक होते हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक एंड स्क्रॉल बटन, ठीक है जी। नम लॉक क्या होता है, ये नंबर लॉक का बटन होता है। अगर तो हमारा कंप्यूटर का डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो क्या होगा कि ये लाइट सेम बिहेव करेगा। देखो मैं इसको पुश कर रहा हूँ तो इसमें जो इंडिकेटर है वो नहीं, लाइट ऑन नहीं हो रही है। कई बार क्या होता है कि अगर हमारी ये VGA केबल ख़राब है या कोई और LCD में कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ से इसे दबा के सिस्टम को ऑन करो और इसको दबा के चेक करो कि ये नम लॉक का बटन ऑन ऑफ हो रहा है। अगर ये नम लॉक का बटन ऑन ऑफ हो रहा है तो क्या है कि हमारे CPU में जो डिस्प्ले है CPU का वो आ रहा है, CPU वर्किंग कर रहा है फाइन, हमारी कोई प्रॉब्लम हमारी LCD में है। अब इसका क्या है कि देखिए नम लॉक बटन दबाने के बाद भी इसका जो नम लॉक का लाइट है वो ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है जी। ऐसे ही हम कैप्स लॉक का बटन दबा लेते हैं तो ये यहाँ पे लाइट ऑन ऑफ नहीं कर रही है, ठीक है जी। इससे हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि जो प्रॉब्लम है वो हमारे CPU में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका फिर से पावर केबल निकालेंगे डायरेक्टली। अब थर्ड चीज़ चेक करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए इसकी जो रैम्स होती हैं दोनों रैम्स निकाल लेंगे हम वन बाय वन करके, इसमें दो रैम लगी हुई हैं, किसी के पास एक लगी होती है वो एक निकाल लो आप अपनी, ठीक है जी। इनको साइड पर रख दीजिए, इसमें क्या है 4GB रैम लगा हुआ है, ठीक है जी। अब हम विदाउट रैम के हमारा CPU ऑन करेंगे, ठीक है, उससे मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। देखो विदाउट रैम के CPU ऑन करने से हमें क्या है, हमारा जो मदरबोर्ड है ना कंप्यूटर का उसमें से एक बीप की साउंड आनी चाहिए, लेकिन वो बीप की साउंड तब आएगी अगर हमारे मदरबोर्ड पे कहीं एक छोटा स्पीकर होता है, उसे बर्जर बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसे छोटा बर्जर बोलते हैं, वो जो स्पीकर है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर कहीं ना कहीं लगा होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें वो जो स्पीकर है छोटा बर्जर है वो नहीं लगा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, मैं दिखाता हूँ आपको, छोड़ना चाहिए यहाँ पे। देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ पे एक, आप ध्यान से देखना वहाँ पे SPK लिखा हुआ है, ठीक है जी।
तो ये जो SPK लिखा हुआ है ये स्पीकर की जगह है, राइट। ये वही बर्जर की जगह है जहाँ पे वो बर्जर लगा होना चाहिए लेकिन है नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट पकड़ना जी। ये देखिए दोस्त फ्रेंड्स, सॉरी, इसे हम बोलते हैं बर्जर या छोटा स्पीकर। ये मदरबोर्ड के लिए सिर्फ हमारे इस काम आता है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसे हमें लगा देना है। इसका कोई नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट कुछ नहीं होता है। मैंने जो आपको पहले पॉइंट दिखाया था ग्रीन कलर का, आपने इसने इसे हमें उस पॉइंट पे लगा देना है सीरीज। सॉरी, वो जगह ही ऐसी है कि देखिए वहाँ पे कैमरे के आगे हाथ आ जाएगा। सीरीज ये जो आप पॉइंट देख रहे हो, ये ग्रीन कलर के दो पॉइंट है, यहाँ पे SPK लिखा होएगा। आप अपने मदरबोर्ड पे ट्राई कीजिएगा, कहीं भी आपको नज़र आएगा। ये SPK मतलब है स्पीकर, और ये स्पीकर हमें उस पॉइंट पे लगा देना है, ठीक है जी। चलिए ये लग गया, ओके, ये रहा स्पीकर। और ये स्पीकर देखिए ऑन बोर्ड भी होता है कई बार, ज़रूरी नहीं कि ये वायर वाला ही हो। ये स्पीकर दो चार पाँच रुपये की चीज़ है, मार्केट में फ्री में मिल जाता है किसी हार्डवेयर शॉप से, ठीक है जी। इसका काम सिर्फ ये होता है कि ये हमें रैम की इंडिकेशन देगा मदरबोर्ड के साथ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं फिर से सिस्टम को देखिए विदाउट रैम ऑन करने जा रहा हूँ। पहले मैंने विदाउट स्पीकर ऑन किया था तो कोई इंडिकेशन पता नहीं लगा, अब मैं विद स्पीकर विदाउट रैम इस सिस्टम को ऑन करूँगा। ठीक है जी, देखो फ्रेंड, जो मेरा स्पीकर था पहले वो स्पीकर का इशू था, तो मैंने स्पीकर चेंज किया है, ठीक है जी। ये लगा दिया मैंने स्पीकर, और इसको अब मैं CPU को देखो ऑन करने जा रहा हूँ। देखिए अभी मैंने इसके अंदर रैम्स नहीं लगाई हैं, विदाउट रैम हमें CPU ऑन करना है, ठीक है। अब आप देखो, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो साइलेंसली, देखें ध्यान से सुनना है, वो एक बीप की साउंड दे रहा है, ठीक है जी। जबकि ये बीप की साउंड जो होता है वो रैम का इंडिकेशन होता है कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है वो रैम का इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें रैम नहीं लगी हुई है, ठीक है जी। तो अभी इसको निकाल दीजिए। देखो आप एक चीज़ देख रहे हो कि बार बार पावर लगा रहा हूँ, बार बार सिस्टम ऑन कर रहा हूँ और डायरेक्ट सिस्टम को बंद कर रहा हूँ। अगर इतनी बार हार्ड डिस्क को पावर डिसकनेक्ट डायरेक्टली कर दिया जाए तो हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है, इसीलिए स्टार्टिंग में ही इसके पावर कनेक्शन हमने निकाल दिए थे हार्ड डिस्क के, ताकि कुछ भी हो हमारी एटलीस्ट हार्ड डिस्क सेफ हो। तो देखिए अब इसका क्या है, इसकी दो रैम्स हैं, राइट। अब सिस्टम का डिस्प्ले नहीं आ रहा तो ये तो श्योर हो गया कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो ओके है, क्योंकि वो रैम की बीप दे रहा है। अगर रैम की बीप नहीं देगा स्पीकर लगाने के बाद भी तो मदरबोर्ड ख़राब है, राइट। कोई और इशू है, लाइक मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है, प्रोसेसर ख़राब हो सकता है, या सप्लाई ख़राब हो सकती है, लेकिन उसने स्पीकर लगाते ही रैम रिक्वायर की, रैम मांगी मदरबोर्ड ने, तो इट्स मीन वो रैम का कोई ना कोई इसमें इशू है। तो दो रैम है इसमें, हम वन बाय वन करके रैम लगाएंगे, सिस्टम ऑन करेंगे, इससे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि हमारी रैम ख़राब है या कौन सी ख़राब है दोनों में से, ओके। मैं सिस्टम ऑन कर रहा हूँ एक रैम लगा के, देखो ना तो रैम की बीप आई और ना ही डिस्प्ले आया, ठीक है जी। तो इट्स मीन ये रैम फॉल्टी है, दूसरी रैम लगा के देखेंगे। बंद कर दीजिए डायरेक्टली, निकाल लीजिए रैम को, इसको साइड पे कर देते हैं, दूसरी लगा के देखते हैं, ठीक है जी। चलिए इसे भी लगा के चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी रैम के साथ इसका डिस्प्ले आ गया, वो डिस्क बूट फेलियर इसलिए बोल रहा है बिकॉज अपन ने इसकी हार्ड डिस्क डिस्कनेक्ट की हुई है।
अब एक रैम के साथ इसका डिस्प्ले आ गया, एक रैम इसकी ख़राब है, ओके। तो अब जो दूसरी है रैम खराब, पहले हम क्या करेंगे, इसी रैम के साथ अपन इसका जो विंडो वगैरह है उसको ऑन करेंगे। इसको निकाल दीजिए, पावर केबल को डायरेक्ट पीछे से निकाल दीजिए, इसकी जो हार्ड डिस्क की केबल्स हैं वो अटैच कर दीजिए, इसको हार्ड डिस्क को अटैच कर दीजिए। चलिए मैं इसको ऑन करता हूँ, लेट्स सी। देखो फ्रेंड्स, अब एक रैम के साथ इस सिस्टम का डिस्प्ले आ गया, विंडो ऑन हो गई है, ठीक है जी। अब देखो जो चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, देखो अभी एक प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, अब देखो जस्ट सी दिस के, अब ये जो नमलॉक का बटन है इसको हम पुशअप करेंगे, ये देखिए, ठीक है, इसका इंडिकेटर जो है वो ब्लिंक हो रहा है, इट्स मीन हमारा सीपीयू ओके है ना, तो वो ब्लिंक हो रहा है। जस्ट सपोज करो अब मैंने ये डिस्प्ले केवल इसकी निकाल दी, ठीक है जी। सपोज कर लीजिए हमारा इसका ये एलसीडी ख़राब है, हमें पता नहीं है, हमें सिस्टम ट्रबल शूट करना है, यहाँ पे वो मैसेज देता है नो सिग्नल का मैसेज देता है, बट हमारा सिस्टम ऑन है। अब देखो सिस्टम ऑन है, स्क्रीन ख़राब है, डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो जज करना है कि ये सीपीयू ठीक है कि नहीं ठीक है, सी दिस, ठीक है जी। सिस्टम ऑन किया, नम लॉक दबाया, नम लॉक लाइट ऑन ऑफ हो रही है, कैप्स लॉक का लाइट दबाया, कैप्स लॉक का लाइट ऑन ऑफ हो रहा है, इट्स मीन सीधा डायरेक्टली कनेक्शन के हमारा सिस्टम ठीक है, सीपीयू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलसीडी का इशू है। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। तो अब इसको हम देखिए बंद करेंगे, लीजिए मैं इसको दोबारा से लगाता हूँ, डिस्प्ले आ जाएगा, ये डिस्प्ले आ गया जी। अब इसे हम शट डाउन करते हैं सिस्टम को, क्योंकि दूसरी रैम भी अभी हमें चेक करना है। चलिए इसे बंद कर देते हैं, ओके। तो अब क्या है, देखो अब ये रैम हम ध्यान से देखेंगे, देखो इस रैम में कोई भी कुछ नहीं लग रहा है, सिर्फ डस्टिंग वगैरह लग रही है, कुछ भी है। मैंने कई बार पहले भी आपको ये चीज़ बताई है कि ये जो गोल्डन ईरा होता है, देखिए ये किसी इरेजर के साथ साफ करने से 50% रैम चल जाती हैं, वर्किंग कर जाती हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि रैम हर एक रैम चलेगी चलेगी। कई बार ये जो इसका जो ऑनबोर्ड आईसी होते हैं रैम के, ये ख़राब हो जाते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अपन ट्राई ज़रूर करेंगे इसको क्लीन करके, ठीक है जी। आप मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर रहा हूं, मैं इसको क्लीन करता हूं, मैं आपको दिखाऊंगा क्लीन कैसे करते हैं, अभी वीडियो पॉज कीजिए एक सेकंड के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। सीरीज अब मैं क्या है, मैं मेरे पास ये इरेजर है, इरेजर के साथ में इसके जो गोल्डन पिंस हैं, ठीक है, अपन इसको सिर्फ इसको रब करना है। इसको रब करने का मतलब भी सिर्फ हमारा ये होता है मोटिव कि जो इसके ऊपर जो डस्ट होगी या जो मॉइस्चर होगा थोड़ा बहुत, या कार्बन आ जाती है कई बार मॉइस्चर के साथ, सिर्फ वो क्लीन हो जाए और कुछ नहीं होता है। ये इरेज के साथ साफ करने से ये नहीं है कि हमारी खराब रैम ठीक हो जाएगी। दोनों तरफ से क्लीन करनी है ये। ज़्यादा नहीं रगड़ना इसको, बस दैट्स इट, इतना इनफ है, ठीक है जी। इसको फेंक दीजिए डस्ट को, चलिए आइए ट्राई करते हैं। चलिए अब देखिए फिर से हमें क्या करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, सिस्टम ऑन करने से पहले इसका हार्ड डिस्क के जो कनेक्शन हैं वो हमें डिस्कनेक्ट ज़रूर करने हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमारी अभी रैम चलेगी या नहीं चलेगी, ओके। तो चलिए सिस्टम को ऑन करते हैं अपन,
रैम लगाने से इसका डिस्प्ले नहीं आया, ठीक है जी। एक रैम के साथ इसका डिस्प्ले आ गया, दूसरी रैम के साथ इसका डिस्प्ले नहीं आया। तो फिर से इसकी पावर केबल निकाल दीजिए, फर्स्ट वाली जो हमने सेकंड रैम लगाई है क्लीन करके, दिस वन, इसको साइड पे रखो, ठीक है जी। एक बार फिर से इसको पहली वाली रैम के साथ इसका डिस्प्ले चेक करो, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये लाइट ऑन हो जाता है, इट्स मीन डिस्प्ले आ गया, हमारी पहले वाली रैम ठीक है। अब देखो एक चीज और भी होती है, इधर देना, अब एक चीज और भी होती है कि जरूरी नहीं है कि हमारा रैम खराब हो, ये स्लोट भी खराब हो सकती है, जो मदरबोर्ड का स्लोट है, रैम का स्लोट, ये भी खराब हो सकता है। सो दैट इसे चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाली हमारी ओके वाली रैम है उसे निकालेंगे और इस स्लोट में लगा के हम मदरबोर्ड को चेक करेंगे कहीं मदरबोर्ड फॉल्टी तो नहीं है। तो पावर केबल मैंने निकाल दिया पीछे से डायरेक्ट, ये रैम निकाली। देखो रैम निकालने का भी क्या है, ये दोनों तरफ लॉक होते हैं, इस लॉक को बाहर की तरफ पुश कीजिए, इधर से रैम बाहर, इधर से बाहर कीजिए, इधर से रैम बाहर, ओके। तो इसे हम इस स्लोट में लगाएंगे और सिस्टम को चेक करेंगे मदरबोर्ड ठीक है। लो सिस्टम ऑन हो गया, लेट्स सी। देखिए सारा कुछ आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होता है कि सिस्टम को आपको डायरेक्टली बता देगा बंदा कि ये सिस्टम ठीक है या रैम खराब है, कुछ भी है, ट्रबल शूट करके ही पता लगता है कि कहाँ क्या प्रॉब्लम, ठीक है। अब सी दिस फ्रेंड्स, सीरीज इधर देखो, ये रैम निकाल के इधर लगाई है लेकिन उसका डिस्प्ले नहीं आया, ओके। तो इट्स मीन कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में भी प्रॉब्लम है कि वो जो इधर ये वाली स्लोट है उसकी ये चल नहीं रही है, ओके। एक बार फिर से अपन ये रैम निकालेंगे, पहले वाली स्लोट में लगाएंगे जहाँ पे डिस्प्ले आ रहा था, ओके। कई बार ये भी होता है ना कि रैम बाई चांस तुक्का लग गया, रैम चल गई, ऐसा नहीं ना होना चाहिए, फिर वो बाद में तंग करेगी। फर्स्ट वाली स्लोट में लगाएंगे, रैम चलाएंगे, सीरीज। अब देखो फर्स्ट वाली रैम में लगाया तो वो रैम चल गई, वो डिस्प्ले आ गया है, तो इट्स मीन इस स्लॉट में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अब इस स्लॉट को क्या करेंगे, कोई और रैम लेंगे, वो रैम इस स्लॉट में लगाएंगे और चेक करेंगे, ओके। वेट अ मिनट, मेरे पास है रैम एक और पड़ गया, सीरीज फ्रेंड। देखो जी दोनों रैम लग गई हैं, मतलब मदरबोर्ड ठीक है, वो कोई ना कोई कंपैटिबिलिटी इशू है मदरबोर्ड का, ठीक है जी। मदरबोर्ड में कंपैटिबिलिटी इशू बहुत आते हैं रैम के साथ, कि वो वाली रैम उस स्लॉट पे नहीं चल रही है, वो उस स्लॉट पे चल रही है, ये हार्डवेयर में बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन मैटर करती हैं, इसमें होता है ये ऐसा। अब देखो इसमें 4 GB रैम लगी हुई है, एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, जो खराब वाली रैम है वो साइड पे है, क्योंकि बाद में ना कमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये रैम मैं पहले ही आपकी साइड पे रख रहा हूँ इसमें, ओके। ये लीजिए दिस वन, इट्स 2 GB एंड दिस वन इज ऑल्सो 2 GB, ओके। अब लो, अब मैं इस रैम, दोनों सिस्टम रैम की इकट्ठी लगा रहा हूँ, ये लीजिए चल गई। लो जी सिस्टम को ऑन कर लेते हैं, सीरीज डिस्प्ले नहीं आया, देख सकते हो। अब देखो अब इसे क्या कहोगे, बाई चांस पहले वो डिस्प्ले आ गया था, रैम डिटेक्ट हो गई, स्लॉट ने डिटेक्ट कर ली तो वो डिस्प्ले आ गया, दोबारा से लगाया वो नहीं आया, तो इट्स मीन क्या हुआ कि इसके मदरबोर्ड में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अब ये मदरबोर्ड सिंगल रैम स्लॉट पे ही चलेगा, ये जो रैम है एक ही स्लॉट पे ये मदरबोर्ड चलेगा, इसकी इस रैम स्लॉट में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। देखो ये तो मैं साइड पे करता हूँ रैम, ये ठीक हो गई। अब जब ये रैम खराब हुई है तो वो इस स्लॉट पे लगी हुई थी, ठीक है जी। ये रैम खराब होने का रीज़न ये स्लॉट है, मदरबोर्ड में कहीं ना कोई कोई ना कोई फ्लक्चुएशन हुई, ओवर वोल्टेज आई, उसने स्लॉट भी खराब कर दी और ये रैम भी खराब कर दी,
ठीक है। अब इसका सोल्यूशन यही है कि ये मदरबोर्ड सिंगल रैम पे ही चलेगा। एक बार फिर दिखा देता हूँ, नमलो को आ गया, इंसर्ट बोर्ड मीडिया सिलेक्ट बोर्ड डिवाइस आ गया, प्रेस एनी टू पे आ गया, यानी कि ये मदरबोर्ड भी एक तरह से हम खराब कह सकते हैं लेकिन टाइम पास चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब मैं इसकी हार्ड डिस्क की कनेक्शन करने जा रहा हूँ। लो जी, हार्ड डिस्क कनेक्शन भी हो गए, सिस्टम ऑन हो गया। लो जी, डिस्प्ले भी आ गया, स्टार्टिंग विंडोज आ रहा है। तो देखा आपने फ्रेंड्स कि कितनी अजीब प्रॉब्लम थी। अब इसे क्या कहेंगे, मदरबोर्ड खराब है, रैम भी खराब है, दोनों चीजें खराब हो गई कस्टमर की। ये रैम गई, इसी जिस स्लॉट पे ये रैम लगी हुई थी वो स्लॉट भी खराब हो गई, मतलब मदरबोर्ड भी खराब हो गया। अब ये जो मदरबोर्ड है सिंगल स्लॉट वर्क करेगी इस मदरबोर्ड की। अगर कस्टमर को 4GB रैम करना है तो वो सिंगल स्लॉट ही 4GB लगानी पड़ेगी, जैसे इसमें पहले 2+2 लगा हुआ था। अगर 4GB लगाता है तो पहले वाली 2GB वो यूजलेस हो जाएगी, इसी में सिंगल स्लॉट लगेगा 4GB का। ठीक है जी, तो ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक करना मेरा चैनल, शेयर करना मेरी वीडियोज एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लिया करो चैनल, देख लेना वीडियोज, सेंड कर देना ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।